So I'm recording this video just before an event and यहाँ से मुझे बड़ा अच्छा व्यू दिख रहा है. पहले तुम लोग को दिखा देती हूँ. हाउ ब्यूटिफुल इज दैट. सी हाउ ब्यूटिफुल इज दैट ना. दिस इज होटल सम्राट इन दिल्ली. हाँ तो अब बात करते हैं. तो बहुत बार ऐसा होता है ना जब हमारी लाइफ में हमें लग रहा होता है कि यार कुछ ठीक नहीं चल रहा है और कुछ भी करने से चीज़ें ठीक भी नहीं होती हैं. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं. उसके लिए हम एक ट्राई ये कर सकते हैं. मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बाहर घूमने चले जाओ, वीडियो मूवी देखने चले जाओ, या दोस्तों के साथ चले जाओ, या यू नो घर वालों के साथ बैठो. ये सब चीज़ें भी काम करती है. बट एक चीज़ जो कि मैं बोलूँगी कि आप ट्राई कर सकते हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में यू नो एवरीथिंग इज़ जस्ट फॉलिंग अपार्ट एंड यू नो यू आर नॉट हैप्पी और आपके कुछ भी ट्राई करने से कुछ भी सही नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा समय अपने आप अकेले अपने आप के साथ बिता के देखिए. मे बी यू विल फील बेटर. और मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान खुद खुश होता है, जो इंसान खुद बेटर फील करता है, वही दूसरों को भी बेटर फील करा सकता है. एंड या मुझे ऐसा बहुत फील होता है अगर खुद आप डिप्रेस होंगे, खुद आप सैड होंगे, तो आप अपने अगल बगल वालों को भी, अपने घर वालों को भी, अपने दोस्तों को भी, दोस्तों की तो छोड़ो, अगर आप घर में रहते हो अपने घर वालों को भी सैड ही करोगे. अगर आप खुद खुश नहीं हो तो आप दूसरों को खुश नहीं रख सकते. तो इन ऑर्डर टू मेक योर पीपल हैप्पी, फर्स्टली यू शुड बी हैप्पी इनफ. तो अपने आप थोड़ा समय अपने आप के साथ बिताने से बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती हैं. अपने आप के साथ समय बिताना, इट्स नॉट ओनली कि यू नो इट्स नॉट, वो कुछ भी हो सकता है. लाइक मेरे लिए अपने आप के साथ समय बिताना मीन्स ईटिंग गुड फूड और गोइंग टू अ गुड प्लेस और यू नो वॉचिंग सम माई 20s की फेवरेट मूवी और ये सब है. आपके लिए कुछ और हो सकता है. कुछ लोगों के लिए यू नो सेल्फ केयर होता है अपने साथ समय बिताना. ये भी मैं कंसिडर करूँगी कि सेल्फ केयर का पार्ट है. तो या कभी कभी अपने साथ समय बिताना इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू, जिससे आपको मेंटल पीस भी मिलता है और हाँ आप अपने बारे में भी चीज़ें समझ पाते हो. एंड येस यू डेफिनेटली विल फील बेटर.